हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, आज हम लोगों का पार्ट टू है डाटा टाइप्स इन पाइथन का। ठीक है, आज हम लोगों का जो रिमेनिंग डाटा टाइप्स है डैट इज स्ट्रिंग और बुलियन हम लोग देखने बा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डैट इज पहले देखते हैं स्ट्रिंग मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं डैट इज बुलियन हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली कर हम लोग देखते हैं। आप लोग सेल खोलिए, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं भी अपना सेल खोलता हूँ। तो चलिए मैं अपना सेल यहाँ पर अपेन कर चुका हूँ। ठीक है, और स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँ, इसमें ये टेक्स्ट टाइप भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको सीक्वेंस टाइप्स भी बोल सकते हैं। इस सीक्वेंस टाइप्स के अंदर भी हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप को रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था। देखिए, मैं ए इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ, कोमल, ऐसे स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोमल जो है क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसीलिए हम लोग इसको सीक्वेंस टाइप्स को में भी रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम लोग फॉर लूप से भी एक एक कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी सीक्वेंस टाइप्स है वो सारे हम लोग देखेंगे आगे, अभी बाकी है बहुत चीज़। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि स्ट्रिंग में टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा भी रख सकते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस टाइप्स भी इसको बोल सकते हैं। सीक्वेंस टाइप्स के अंदर भी ये डाटा टाइप को हम लोग रख सकते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मैं यहाँ कमेंट में लिखता हूँ एसटीआर। समझ में आया, एसटीआर से ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एसटीआर ऐसे रिप्रेजेंट होता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब आप लोग मैं आशा करता हूँ ए इज इक्वल टू कोमल, देखिए पहले कितना स्टाइल से स्ट्रिंग हम लोग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कोमल दिया, मैं यहाँ पर ये प्रिंट करता हूँ कोमल। समझ में आया, ए इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कोमल। ठीक है, दैट इज आप लोग समझ रहे हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड कमा था, ये डबल इन्वर्टेड कमा। ठीक है, ये प्रिंट कराऊंगा कोमल। समझ में आ रहा है, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैं अब यही इसी चीज़ को अगर मैंने ऐसे प्रिंट कराया होता प्रिंट ए, ठीक है, तो देखिए आउटपुट क्या आता कोमल। तो ये इससे आप लोग प्रिंट के अंदर लिखूंगा तो ये ठोस जो स्ट्रिंग है वो आएगा। ठीक, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टाइल क्या है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कमा से ओपनिंग कीजिए और क्लोजिंग भी वैसा ही कीजिए, मतलब 1 2 3। ठीक, इसके अंदर लिखता हूँ कोमल, क्लोजिंग कीजिए 1 2 3। ठीक, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, जैसे कि देखिए प्रिंट ए, अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा कोमल। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ओपनिंग 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोजिंग 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा, डैट इज 1 2 3। ठीक, मैं लिखता हूँ कोमल 1 2 3। ठीक, अब मैं प्रिंट कराऊंगा ए, ठीक, अब देखिए कोमल। समझ में आ रहा है, तो आप लोग कंसेप्ट समझिए। अब टाइप देखिए, टाइप भी हम लोग चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ ए। ठीक, तो ये क्या आना चाहिए, देखिए टाइप ऑफ ए करेंगे तो स्ट्रिंग, दैट इज एसटीआर, इसका ऐसे इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है एसटीआर, दैट इज ये जो कोमल ऑब्जेक्ट है ये कौन सा क्लास, दैट इज यहाँ कौन सा डाटा टाइप में बिलोंग करेंगे एसटीआर, तो आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए इसी चीज में आप लोगों को ऐसे में बोलूंगा, सपोज क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू देखिए कोमल। ठीक है, मैंने ऐसे दिया कोमल्स, मैं ऐसे करता हूँ कोमल्स। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग देखिए यहाँ कलर से ही समझ पा रहे होंगे ये हम लोगों का वैलिड है कि इनवैलिड, आप लोग समझिए। देखिए ये जो कोमल है तो इतना तो समझ गए ये स्ट्रिंग है, दैट इज फर्स्ट ओपनिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और क्लोजिंग ये हुआ, लेकिन यस और यहाँ देखिए इसके लिए ये क्लोजिंग है, ओपनिंग कहाँ है। ठीक, तो ये इनवैलिड सिंटेक्स है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। कंसेप्ट समझिए, मैं जो चीज़ भी यहाँ बता रहा हूँ आप लोग ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से उसको उसका नहीं कहना, मैं ऑब्जर्व कीजिए एज वेल एज अपने माइंड में ऑब्जर्व कराइए वो कंसेप्ट को। ठीक है, तो देखिए ये इनवैलिड सिंटेक्स आएगा, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट, मैं एक एक कंसेप्ट जो जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप समझ रहे हैं, कोई भी जैसे कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रख सकते हैं उसके अंदर, कितने स्टाइल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये चीज़ भी देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप जो होता है, मैं ऐसा करता हूँ समझे। ठीक, बुलियन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बुलियन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो बुलियन होता है वो उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बिलोंग टू व्हिच क्लास, दैट इज बुलियन क्लास। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इज इक्वल टू ट्रू, देखिए ए इज इक्वल टू ट्रू लिखा, इसका देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है बुलियन का, डैट इज मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ बी ओ ओ एल। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब मैं यहाँ अगर ए प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा ट्रू। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ये बात समझिए। ओके, और देखिए अगर मैं आप लोगों को और कर इसमें दिखलाता हूँ, दैट इज मैं इसमें सपोज मैं ए इज इक्वल टू ऐसे रख दूँ फॉल्स, ठीक है फॉल्स, और मैं ए प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा फॉल्स। ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझिए, अगर मैं टाइप ऑफ ए प्रिंट कराऊंगा टाइप ऑफ ए, ठीक, तो क्या होगा बूल। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि दैट इज ये ट्रू फॉल्स कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, कौन सा डाटा टाइप में बिलोंग करता है, बुलियन में, दैट इज बूल। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं जितना भी कंसेप्ट
अभी बतलाया, आप लोग समझ पा रहे हैं ठीक है। स्ट्रिंग और बुलियन में इतना ही कंसेप्ट है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं ये डाटा टाइप को ठीक है। तो मैंने अभी डिस्कस किया जनरली जो डाटा टाइप्स हम लोग यूज कर करते हैं ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग और बुलियन। रिमेनिंग था ये मैंने खत्म किया ठीक है। तो और जो जितना भी रिमेनिंग डाटा टाइप्स हम लोगों का जो रिमेनिंग है पाइथन में, वो आप लोगों को जो मैं लिस्ट दिखलाया था ठीक है, दैट इज बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन, उसमें जितना भी रिमेनिंग है वो हम लोग चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दो बार हो जाएगा, अभी भी डिस्कस करेंगे उस वक्त भी, तो वहां मैं ए टू जेड डिस्कस करूंगा ठीक है। जो जितना भी बिल्ट इन डाटा टाइप्स और हम लोगों का रिमेनिंग है उसका एक सिंगल चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोगों का, उसका जितना भी कंसेप्ट है। स्ट्रिंग भी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, स्ट्रिंग अभी इसलिए बताया ताकि जितना भी नॉर्मल कंसेप्ट है समझ पाए, इसके अंदर जितना भी फंक्शंस जितना भी ऑपरेशंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ठीक है। तो अभी आप लोग अच्छे से रहिए ठीक है, स्टे सेफ स्टे एट होम ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।